ऑपरेशन में रहेगा, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। हमेशा बोलता हूँ इमोशंस के साथ फेडरेशन का चुनाव हुआ, नतीजा आया और इस नतीजे के ऊपर इतना बड़ा कदम। WFI में संजय सिंह की जीत के बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया, तो वहीं रेसलर बजरंग पुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पर अपना पद्मश्री अवार्ड रख कर आ गए, जिसके बाद अलग अलग नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पंचकुला पहुंचे दुष्यंत चौटाला का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए था, फेडरेशन के चुनाव नतीजे आने के बाद इतना बड़ा कदम उठाना ठीक नहीं। साक्षी मलिक का संन्यास लेना और बजरंग पुनिया का पद्मश्री प्रधानमंत्री जी को लुटाने को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ इमोशंस के साथ फेडरेशन का चुनाव हुआ, नतीजा आया और इस नतीजे के ऊपर इतना बड़ा कदम उठा। बता दें कि पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 85वीं सीनियर नेशनल और इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप के समापन समारोह में दुष्यंत चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाया। पंचकुला से उमंग श्योराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।